गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के पार्ट 15 वाले वीडियो में हम लोग अंशों का हरण और उनका पुनर्निर्गमन पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि अंशों का हरण क्या है, तो जब भी कंपनी अपनी पूंजी के लिए अंशधारियों से याचना करती है और कोई भी अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई किसी भी याचना का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उन अंशों को जब्त यानी हरण कर लेती है। यही है अंशों का हरण। कंपनी अंशों को हरण करने के पश्चात उस हरण वाले अंशों को पुनः इशू कर सकती है और अपनी पूंजी प्राप्त कर सकती है। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन को समझते हैं। क्वेश्चन है, राहुल लिमिटेड के पास 10 रुपए वाले कुल 50,000 शेयर हैं। उस 50,000 शेयर में से केवल 40,000 शेयर ही कंपनी इशू करती है। जब 40,000 शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलाटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपया मांगती है। सभी अंश व्यक्तियों द्वारा ले लिए गए। कंपनी याचनाएं करती है, सभी अंशों पर सभी राशियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जब कंपनी अंतिम याचना करती है तो अंतिम याचना के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 500 शेयर लिया हुआ है ऑन 500 शेयर फाइनल कॉल नॉट रिसीव देन फॉरफिटेड एंड री इशूड 6 रुपीज पर शेयर। मीन्स फाइनल कॉल जब कंपनी मांगती है तो फाइनल कॉल के समय कोई एक ऐसा अंशधारी है जिसने 500 शेयर लिया हुआ है और अपने 500 शेयर पर फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दे पाता है, इसलिए कंपनी उन 500 शेयर को हरण कर लेती है और री इशूड 6 रुपीज पर शेयर यानी पुनः उन 500 अंशों को 6 रुपये प्रति अंश के रेट से री इशू यानी पुनर्निर्गमित कर देती है। तो यहाँ पर भी हमको जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी जनरल एंट्री हम करेंगे। सबसे पहला एंट्री तो हमारा एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त करने का होगा। तो जब एप्लीकेशन पे पैसा कंपनी को प्राप्त होगा तो उस समय पर पैसा कंपनी के पास आएगा। आने वाली वस्तु व संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए जिसका भी पैसा प्राप्त होगा उसका खाता क्रेडिट होगा। तो एप्लीकेशन का मिल रहा है इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कंपनी ने 50,000 शेयर तो उसके पास है, लेकिन कंपनी ने केवल 40,000 ही शेयर इशू किया है, इसलिए जितना शेयर इशू कंपनी करेगी उतने ही शेयर पे हम एंट्री करेंगे। तो कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया है, इसलिए सभी एंट्रियां हमारी 40,000 शेयर पर ही होंगी। तो 40,000 शेयर पे एप्लीकेशन 2 रुपये के रेट से, 40,000 अंशों पे 2 रुपये के रेट से कुल कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट 80,000 रुपये प्राप्त होगा। 80,000 नरेशन बीम एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट बीम एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने के बाद कंपनी उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करती है, इसलिए जब कैपिटल में ट्रांसफर करेगी
तो जिसका भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता डेबिट होता है, और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता क्रेडिट होता है। इसलिए एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेगी तो एप्लीकेशन का खाता डेबिट हो जाएगा, यानी एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कैपिटल में ट्रांसफर करेगी इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 80,000 रुपया ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे जितना कंपनी ने पैसा पाया है उसी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, इसलिए 80,000 रुपया एप्लीकेशन पे मिला है तो 80,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर भी होगा। 80,000 यहाँ पर भी नरेशन हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, इसलिए मांगने से पूर्व अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। तो तीसरा एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का, इसलिए एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट 40,500 रुपये, अलाटमेंट 2 रुपये ग्रेड से, 40 दूना 80 यानी 80,000 रुपया। नरेशन यहाँ पर भी बीइंग अलाटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलाटमेंट मनी ड्यू, फिर अगला एंट्री ड्यू होने के पश्चात कंपनी को अंशधारी पैसा भुगतान करेंगे, इसलिए जब कंपनी को पैसा प्राप्त होगा अलॉटमेंट का तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा अलॉटमेंट का मिल रहा है इसलिए जिसका भी मिलेगा उसका खाता क्रेडिट हो जाएगा, तो अलॉटमेंट का मिल रहा है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 80,000 रुपया ही होगा, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट के समय ड्यू 80,000 रुपये का किया है, और सभी अंशधारी अलॉटमेंट का पैसा भुगतान कर देते हैं इसलिए कंपनी को पूरा पूरा पैसा प्राप्त होगा, यानी 80,000 रुपया मिलेगा। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, इसलिए फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने से पूर्व कंपनी पहले ड्यू की एंट्री करेगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होगा, जब ड्यू करेंगे तो उस समय पर एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट क्या होगा, तो कुल 40,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है और फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपये क्रेडिट से है, यानी 40,000 अंशों पे 4 रुपये क्रेडिट से कुल पैसा 1,60,000। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद ड्यू के बाद कंपनी को अंशधारी पैसा भुगतान करेंगे, इसलिए जब कंपनी को पैसा प्राप्त होगा तो प्राप्त होने की एंट्री कंपनी क्या करेगी, तो जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर भी अमाउंट 1,60,000 रुपया ही होगा, क्योंकि जब ड्यू 1,60,000 रुपये से हुआ है और सभी अंशधारियों ने पूरा पूरा भुगतान कर दिया है, इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को कुल 1,60,000 रुपया पूरा पूरा पैसा प्राप्त होगा। नरेशन फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ है, इसलिए बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। पुनः फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होने के बाद कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, इसलिए फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त करने से पूर्व पहले कंपनी ड्यू की एंट्री करेगी। ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो ड्यू की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फाइनल कॉल का अमाउंट क्या होगा, तो फाइनल कॉल 2 रुपये क्रेडिट से है, तो 40,000 अंशों पे 2 रुपये क्रेडिट से कुल 80,000 रुपया, 40,000 अंशों पे 2 रुपये क्रेडिट से फाइनल कॉल ड्यू होगा 80,000 रुपये से। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके बाद ड्यू के बाद अंशधारी फाइनल कॉल का भुगतान जब कंपनी को करेंगे तो ऐसी दशा में कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा तो उस समय पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए जिसका भी प्राप्त होता है उसका खाता क्रेडिट हो जाता है, तो फाइनल कॉल का मिल रहा है, इसलिए टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल के समय कितना पैसा प्राप्त होगा, तो फाइनल कॉल ड्यू हुआ है कुल 80,000 रुपये से, तो 80,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे कंपनी को कितना पैसा प्राप्त होगा, तो कंपनी को फाइनल कॉल के समय 500 अंशों पे फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फाइनल कॉल का पैसा 500 अंशों पे 2 रुपये क्रेडिट से कितना नहीं प्राप्त होगा, तो 500 अंशों पे 2 रुपये क्रेडिट से
यानी कुल 1,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा। तो जितना नहीं प्राप्त होता है कंपनी को, उस राशि को हम अवशिष्ट याचना यानी कालसीन एरियर्स के नाम से जानते हैं। तो 500 पे 2 रुपये क्रेडिट से 1,000 रुपया नहीं मिल रहा है, इसलिए 1,000 रुपये की राशि को हम कालसीन एरियर्स के नाम से जानते हैं। तो कालसीन एरियर्स का खाता डेबिट हो जाता है, क्योंकि जितना पैसा नहीं मिल रहा उतना कंपनी को नुकसान हो रहा है, इसलिए व्यय या हानि के खाते डेबिट होते हैं। तो कालसीन एरियर्स का खाता डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट 1,000, तो 80,000 में से 1,000 रुपया नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी केवल कंपनी को नगद रूप में मिलेगा 79,000 रुपया। केवल कंपनी को नगद रूप में 79,000 रुपया ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1,000 रुपया यानी 500 पे 2 रुपये क्रेडिट से 1,000 रुपया नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसको हम अवशिष्ट याचना या कालसीन एरियर्स के नाम से जानते हैं। वैसे कालसीन एरियर्स का लेखा नहीं किया जाता है, डायरेक्ट कालसीन एरियर्स का अमाउंट घटाकर ही लेखा किया जाता है। कालसीन एरियर्स का अकाउंट को शो नहीं किया जाता है, बल्कि डायरेक्ट उसका अमाउंट घटाकर ही, जितना पैसा रिसीव होता है उसी से एंट्री की जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से कालसीन एरियर्स के खाते को दर्शाते हुए एंट्री किया जा रहा है। नरेशन यहाँ पे हो जाएगा कि फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो भीम फाइनल कॉल अमाउंट रिसिप्ट, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसिप्ट, या अगर दूसरे रूप में कहना चाहें, विस्तृत रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसिप्ट ऑन थर्टी 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर्स, या बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट 500 शेयर्स, यानी 500 को छोड़कर फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त होगा। इसके बाद जब फाइनल कॉल के समय 500 पे कालसीन एरियर्स हो रहा है, तो ऐसी दशा में कंपनी इन 500 को जब्त यानी हरण कर रही है। जब हरण करेगी तो उस समय पर एंट्री क्या होगा? तो उस समय पर एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही हो रहा था, लेकिन जब भी अंशों को कंपनी जब्त करेगी तो जब्त के समय यानी हरण के समय शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्योंकि जब कंपनी अंशों को जब्त यानी हरण करती है, तो उस समय पर हरण होने से पूर्व तक अंशधारियों ने इन अंशों पर जितना भी पैसा का भुगतान कर दिया है, उन पैसों को भी कंपनी जब्त यानी हरण कर लेती है। तो जब हरण करेगी तो ऐसी दशा में वो पैसा कंपनी को वापस नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के पास ही रहेगा, तो कंपनी को लाभ ही होगा। इसलिए लाभ के खाते क्रेडिट होते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्रेडिट में जिन अंशों पर याचनाओं का पैसा प्राप्त नहीं होता है, जिन अंशों पर याचनाओं का पैसा प्राप्त नहीं होता है, यानी जिनके भी साथ कालसीन एरियर्स होता है, उसका भी खाता क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे
फाइनल काल का ही पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी फाइनल काल के समय ही काल सीन एरियर्स हुआ है। बाकी सब तो पैसा प्राप्त हो गया है, केवल फाइनल काल के समय ही काल सीन एरियर्स हुआ है, इसलिए जिसके भी साथ काल सीन एरियर्स होगा उसका भी खाता क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे केवल फाइनल काल के समय ही काल सीन एरियर्स है, इसलिए उसका भी खाता क्रेडिट हो जाएगा। टू शेयर फाइनल काल अकाउंट। अब इसके बाद अमाउंट क्या होगा? तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, उसमें अमाउंट जब भी कंपनी अंशों को हरण करती है तो हमेशा हरण के समय अंश पूंजी खाता याचित रकम से ही डेबिट किया जाता है। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट हमेशा याचित रकम से किया जाता है। याचित रकम का मतलब क्या है कि कंपनी अंशों को हरण करते समय जितना भी पैसा एक अंश पे कंपनी ने मांग रखा है, हरण करते समय जितना भी पैसा एक शेयर पे कंपनी ने मांग रखी है उसी को हम याचित रकम के नाम से जानते हैं। यानी कंपनी ने एक अंश पे कितना रुपया तक अंशधारियों से याचना यानी मांग रखी है, जितना भी पैसा मांग रखी है उतने ही रुपए से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे 500 अंशों को कंपनी हरण कर रही है, उस समय पर कंपनी ने एप्लीकेशन का भी पैसा मांगा है, अलॉटमेंट का भी पैसा मांगा है, फर्स्ट काल का भी पैसा मांगा है और फाइनल काल का भी पैसा मांगा है। इस प्रकार 2 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 2 रुपया, फर्स्ट काल का 4 रुपया, फाइनल काल का 2 रुपया, यानी 2, 2, 4, 4, 8, 2, 10 और एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है ही। यानी एक शेयर का मूल्य जब 10 रुपया है और कंपनी ने पूरा 10 रुपये तक ही मांगा है, तो इस प्रकार 500 अंशों पे 10 रुपये के रेट से शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट 5,000 रुपये से। इसके बाद फारफिटेड, फारफिटेड में हम वही बैलेंस दिखाते हैं जो हरण होने से पूर्व तक अंशधारियों ने अपने अंशों पर भुगतान कर दिया है। जिन अंशों का हरण हो रहा है उन अंशों पर अंशधारियों ने कितना पैसा कंपनी को दे दिया है उसी पैसे को हरण खाते में दिखाया जाता है। तो जब 500 अंशों का हरण हो रहा है तो 500 अंशों पर अंशधारी ने अप्लीकेशन का पैसा दे दिया है 2 रुपया, अलाटमेंट का भी पैसा दे दिया 2 रुपया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया है 4 रुपया, केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब 2, 2, 4, 4, 8, एक शेयर पे 8 रुपया दे दिया है, तो 500 अंशों पे कुल कितना पैसा दे दिया होगा? 4,000 रुपया। इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 4,000 रुपये से। और शेयर फाइनल काल अकाउंट में अमाउंट क्या होगा? तो शेयर फाइनल काल के समय जितना भी काल सीन एरियर्स का अमाउंट है वही अमाउंट हमको यहाँ पर दिखाना है। तो फाइनल काल के समय काल सीन एरियर्स 500 अंशों पे, फाइनल काल 2 रुपये के रेट से है, तो 500 अंशों पे 2 रुपये के रेट से कुल काल सीन एरियर्स 1,000। इस प्रकार डेबिट में 5,000 रुपया है, क्रेडिट में भी 5,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा यहाँ पे बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, यानी 500 अंशों को जब्त किया गया। इसके बाद जब्त करने के बाद कंपनी उन अंशों को पुनः 6 रुपये पर शेयर के रेट से री इशू करेगी। जब री इशू करेगी उस समय पे जनरल एंट्री क्या होगी? तो जब कंपनी उन हरण किए गए 500 अंशों को पुनः री इशू करेगी यानी पुनः निर्गमित करेगी, तो पुनः निर्गमित 6 रुपये पर शेयर के रेट से कर रही है। तो ऐसी दशा में पुनः निर्गमित करने पर कंपनी को पैसा प्राप्त होगा, जब पैसा प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा।
इसलिए आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और जो शेयर कैपिटल अकाउंट हरण होते समय डेबिट किया गया था, उन्हीं अंशों को यहाँ पे पुनः निर्गमित किया जा रहा है, इसलिए वो शेयर कैपिटल अकाउंट पुनः यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हरण किया गया था तो उस समय शेयर कैपिटल अमाउंट 5,000 रुपये से डेबिट किया गया था, यानी 5,000 रुपये के शेयर कैपिटल को जब कंपनी रीइशू कर रही है तो कंपनी को कितना पैसा प्राप्त होगा? तो एक शेयर को 6 रुपये के रेट से रीइशू कर रही है तो 500 अंशों पे 6 रुपये के रेट से, 500 अंशों पे 6 रुपये के रेट से कितना कंपनी को पैसा रीइशू के समय प्राप्त होगा? तो 500 अंशों पे 6 रुपये के रेट से 5×30 यानी 3,000 रुपये कंपनी को प्राप्त होगा। तो कंपनी शेयर इशू कर रही है 5,000 रुपये का, लेकिन कंपनी को केवल रीइशू के समय 3,000 रुपये ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को 2,000 रुपये कम पूंजी प्राप्त हो रही है। तो जितना भी कम प्राप्त होगा रीइशू करते समय, उस कमी की पूर्ति को कंपनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से उस रकम को पूरा करेगी, क्योंकि जो पैसा कंपनी ने हरण करके रखा है उसी पैसे से रीइशू के समय होने वाली हानि की पूर्ति करेगी। तो जब हरण उसने किया है तो हरण खाते में कुल 4,000 रुपये का हरण किया है, तो रीइशू करते समय कंपनी 5,000 रुपये को शेयर को रीइशू कर रही है तो केवल कंपनी को 3,000 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे 2,000 रुपये की कमी हो रही है। उस कमी की पूर्ति को कंपनी फॉरफिटेड अकाउंट से पूरा करेगी, जो पैसा उसने हरण करके रखा हुआ है तो फॉरफिटेड अकाउंट से पूरा करेगी, तो इसलिए उसका खाता भी डेबिट हो जाएगा। जिस अकाउंट से पूरा करेगी उसका खाता डेबिट हो जाएगा, तो फॉरफिटेड अकाउंट से पूरा करेगी उस कमी को, तो फॉरफिटेड अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो 5,000 में से 3,000 रुपया मिला है, यानी 2,000 रुपये की कमी है, उस कमी को फॉरफिटेड अकाउंट से पूरा करेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपये से। अब डेबिट में भी 5,000, क्रेडिट में भी 5,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग 500 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर शेयर, बीइंग 500 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर शेयर। इसके बाद अब कंपनी ने हरण तो 4,000 रुपया का किया है, उस 4,000 रुपये में से रीइशू के समय होने वाली कमी की पूर्ति 2,000 रुपये से कर दी गई है, तो भी अभी हरण खाते में 4,000 रुपये में से यदि 2,000 रुपया यहाँ पे रीइशू के समय एडजस्ट किया गया है कमी को पूरा करने के लिए, तो भी अभी हरण खाते में कुल 2,000 रुपया अभी शेष बचा होगा। तो उस 2,000 रुपये जो शेष हरण खाते में बचा हुआ है, उस हरण खाते के शेष को लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए उस समय पर एंट्री जिस भी पैसे को ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता डेबिट और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता क्रेडिट होता है। तो फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा, यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए कैपिटल रिजर्व का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी टू
कैपिटल टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हरण कुल 4,000 रुपये का कंपनी ने किया है। 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये यदि यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया तो भी अभी हरण खाते में 2,000 रुपये शेष बचा होगा। उसी 2,000 रुपये को लास्ट में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 2,000 नरेशन हो जाएगा। बीइंग फॉरफिटेड बैलेंस अनफिटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज सब।